हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको सुनकर आपको भी आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम सभी की जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं, एक के बाद एक नई समस्या आके खड़ी हो जाती है। आप में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। मेरी समस्या एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कोई एक भी समस्या ना हो। तो आज की कहानी सुनने के बाद हम सभी को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो ये कहानी ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसे लगी। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा दुखी रहता था। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि उससे ज्यादा दुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता या उससे बात करता, वो व्यक्ति अपनी समस्याओं का बखान करने बैठ जाता था। थोड़ी देर बाद साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वह बहुत परेशान हो जाता कि कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। तभी उसको पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं, जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। ये जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था, जिसमें बहुत सारे ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ, मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसको सुनाऊं, कोई सुनता भी नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है गुरुजी, आप ही बताइए मैं क्या करूं। तभी महात्मा जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई मैं अभी बहुत थक गया हूं, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो, मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है, आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना, मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कल रात नींद कैसी आई। व्यक्ति बोला, गुरुजी मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब भी ऊंट बैठ जाए तब सो जाना, पर ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी कोशिश करके एक ऊंट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, सारे ऊंट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर नहीं सो सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊंट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति और क्रोधित हो गया। उसने महात्मा जी से बोला, एक तो मैं आपसे हल मांगने आया, ऊपर से आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊंटों की ही तरह है, एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने के इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है, इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में आराम से रहने का एक यही उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, इंतजार मत करो अच्छे वक्त का, इसी वक्त में अच्छा वक्त ढूंढो। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी इनकरेज कीजिए, उनको भी समझाइए। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।